नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो डी, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले, जैसा हम हर वीडियो बताते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी सोसाइटी के लिए। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुँच जाए। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जैसे आपकी मदद हो रही है वैसे दूसरों की भी मदद हो सके। और नॉन वायलेंस पे चलिए, रिवेंज को जहाँ तक निगलेक्ट कर सकते हैं वहाँ तक करिए, और अपनी सोसाइटी को एक सेफ इन्वायरमेंट दीजिए, आने वाली जनरेशन सेफ इन्वायरमेंट में रहे, वो एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सके। तो चलते हैं सर के पास, शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर, ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है जी, ये प्रीतम सिंह का क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, सर मेरे भाई की इनकी भाई की मैरिड के पास एक महीने, अच्छा इनकी भाई की अनमैरिड रिलेशनशिप रही थी किसी औरत के साथ, इनके भाई एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में जी। अब उस महिला ने इनके भाई के ऊपर केस कर दिया है जी, है ना, केस करके फंसा दिया है, जबकि उस महिला के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं अलग अलग स्टेट के, जिसमें एक वोटर आईडी में उसके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं ये क्या करें, सोल्यूशन। देखिए, जब इनका भाई एक्सपायर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया उसको जी, तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अगर दर्ज है तो एक्सपंज हो जाएगा, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक उस महिला का सवाल है, वो महिला अगर कोई संपत्ति के लिए विवाद पैदा करती है तो जब तक उसका पति जीवित है तब तक उसे किसी और के संपत्ति में किसी को और वो अपना पति नहीं मान सकती, नहीं मान सकती, ठीक है, क्योंकि वो इल्लीगल हो जाए। अगर उसका कोई अवैध संबंध था, कोई रिलेशनशिप थी, तो उसकी कोई कीमत नहीं है ना। अगर उसके कोई पति जीवित ना होता तब उसको राइट मिलता इसकी संपत्ति, ठीक, फिजिकल रिलेशनशिप के आधार पर ही कोर्ट ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे आए हैं जिसमें राइट दिया गया है, ठीक है, उसको मैरिज माना गया है। लेकिन जहां तक अब पति एक्सपायर हो गया, जो उसका पति जीवित है और फिजिकल रिलेशनशिप जिसके साथ था वो मर गया इसका भाई, तो अब ना तो उसके खिलाफ कोई अगर मुकदमा दर्ज है, जो भी दर्ज कराया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, और आप उनकी संपत्ति के बारे में अगर कोई लिटिगेशन होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा साक्ष्य होना चाहिए कि उसका पति अभी तक जिंदा है, ठीक है, वो आप कलेक्ट कर लीजिए वो सारे एविडेंस, और आप उसको कोर्ट में दाखिल करिएगा, जब भी केस चले खत्म हो जाएगा सब। और कुछ है इसमें, और कुछ कुछ है नहीं, और कुछ नहीं पूछे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रीतम सिंह ने पूछा है। इन्होंने कहा है, मेरे भाई की अनमैरिड, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लिरिक्स गुरु है, इन्होंने कहा है, सर एक पागल की पागल को पागल खाने कैसे भेजें? हमारे करीब रिश्तेदार हैं कि उनको कुछ साल, इनके कोई करीब के रिश्तेदार हैं, कुछ साल पहले उनकी मैरिज हुई थी जी, और उनकी वाइफ पहले से ही पागल थी, उनकी मेडिसिन चल रही थी शादी से पहले, लेकिन लड़की वालों ने घर वालों को नहीं बताया, लड़की वालों ने ये चीज नहीं बताई कि दवा चल रही है। फिर आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे मरीज को मेडिसिन ना मिले तो क्या होगा, वायलेंट हो जाते हैं, अब वो पूरी तरह से पागल हो गई हैं और गली में खड़ी रहती हैं, उनकी और उनके मायके वाले कहते हैं तुम लोगों ने पागल कर दिया है, लेकिन उनके गांव में सबको पता है कि वो पहले से पागल थी जी, है ना, और उनकी मेडिसिन चल रही है। प्लीज सजेस्ट सर, पहले तो घर वाले सब परेशान हो चुके हैं, अब क्या करें, उनके दो बच्चे भी हैं और दोनों बच्चों की जिंदगी हराम कर रखी है, इन्होंने ऐसा लिखा। उसके तो, बच्चे उस लड़की से उस, हाँ, दो बच्चे हैं जी, अब ये तो यही लिखे हैं, दो बच्चे हैं सर। तो ये जो इन्होंने बताया है, इनकी समस्या बड़ी गंभीर है, ठीक है। देखिए, शादी इसीलिए बहुत समझबूझ के किया जाता है जी, हर इसीलिए लड़के वाले पक्ष के और लड़की वाले पक्ष के ये दोनों एक दूसरे को समझ बूझते हैं, पहले पूरी जानकारी लेते हैं,
ठीक है, तब उसके बाद शादी विवाह किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी घटना हो गई है तो उसके पास दो बच्चे हैं, उसकी रखरखाव उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए जब कोई पागल आदमी वायलेंट हो जाता है, जैसे हिंसा करने लगता है, तब स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। उसे स्टेट की तरफ से अगर आप थाने पर FIR दर्ज कराएंगे, सूचना देंगे, तो जिला मजिस्ट्रेट ये जो है एक सरकारी व्यवस्था के तहत पागल खाने भेज देते हैं, ठीक है, तो उसमें बिना खर्चे के ट्रीटमेंट होने लगता है। वैसे तो कई हॉस्पिटल हैं, आगरा बहुत मशहूर जगह है ना पागल खानों के ट्रीटमेंट के लिए जी। अब तो हर जगह होने लगा है ट्रीटमेंट, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उससे जो बच्चे हैं है ना, वो तो है ही हैं, ठीक है, अब तो आपका उससे इमोशनल सारा रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, तो वो पहले से थी ये नहीं माना जा सकता। जब आपके घर आ गई, आपने मैरिज के साथ उसके दो बच्चे हुए, तो भले उसको पहले कोई भी मर्ज पहले से रहता है, तमाम चीज अननोन रहती है जो नहीं पता चल सकती है, लेकिन अब आपकी वो जिम्मेदारी है। अगर आप जैसे कोई वायलेंट करती है, मारपीट करती है या ऐसा करती है, तो फिर तब तो आप उसे पुलिस में दो एक रिपोर्ट लिखा के या इधर उधर करके आप उसको सरकार की तरफ से जांच भेज सकते हैं, उसमें आपको सुविधा भी मिल जाएगी, खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद ट्रीटमेंट कराइए, अगर आप समर्थ हैं तो उसको सरकार के भरोसे छोड़कर खुद आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो अनरिकवरेबल केसेज हैं उसको जो है सरकार भी उसमें सहयोग देती है ना, ये बहुत रेयर केस है जी। आप उसमें उसे पागल खाने ले जाकर वहाँ हॉस्पिटल में लेकर उसका ट्रीटमेंट कराइए और सब ठीक हो जाते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो ये उसकी दवा आपको तपस्या करना पड़ेगा जी, है उसमें थोड़ा सा वो आपकी अगर मतलब आपके जो भी रिलेटिव हैं उनसे कहिए, वो उनकी वाइफ हैं, तो उनके लिए जो भी वो कर सकते हैं मैक्सिमम हो सकता है सही हो जाए। ये देखिए किस वजह से उसके अंदर पागलपन है, जी, नहीं जी, मर्ज है, ऐसे ही हो जाता है दिमागी तौर पे, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, परिवार की वजह से परेशान है वो, है नहीं, सामाजिक पारिवारिक परेशानी भी पागलपन का कारण बन जाती है जी, है ना। तो उसमें हम बस यही कह सकते हैं, दुआ दे सकते हैं कि हाँ उसको आप जी ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, दवा कराओ और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हमारी यही शुभकामना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने पूछा है, सर मुझ पर 324 और 354 का केस लगा है, FIR हुई है, मुझे सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत आएगी, हो सकती है? देखिए दिक्कत तो हो सकती है, 324 भी गंभीर अपराध है नहीं, और नॉन अवेलेबल है, 354 भी आपने महिला से संबंधित अपराध किया जी, है ना, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप उसमें उस केस को फाइट कीजिए, है ना। एक तो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो 41 बयान पुलिस बयान लेती है, उसमें फाइनल लगवाइए, अगर चार्जशीट हो जाता है तो आप उस पर कोर्ट पे हाजिर होके उसको ख़त्म करा दीजिए, नहीं तो ये आपके जॉब में बाधक बन सकती है। हमने कई केसेस लोग हमको बराबर इससे संपर्क कर रहे हैं जी, है नहीं जी, एक प्लान भी में चलिए पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारे केस बहुत सारे जगहों पर आपको नुकसान हो सकता है, जहाँ बहुत जगहों पर आजकल एफिडेविट ली जाती है कि आपके खिलाफ कोई अपराध तो नहीं दर्ज है, तो वो जन वो उसको हटा देते हैं, फिर उसको प्रतियोगिता से निकाल बाहर कर देते हैं जी। अगर अगर ये सर कम्प्रोमाइज कर लेते हैं, डाइल्यूट करवा लेते हैं, तो क्या फायदा? केस खत्म कर दें तो सब खत्म हो जाएगा जी, ठीक है जी, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे अगर कोई डिसीजन निगेटिव आ भी जाता है तो किसी भी यूजर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी जो कि सिक्योर होती हैं, तो आप ट्राई करते रहिए, अगर किसी से भी कोई गलती हो गई है तो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, सोसाइटी की हेल्प करिए और आगे बढ़िए, फॉरवर्ड। एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुल जाता है, ईश्वर पर विश्वास रखिए जी, आपकी लाइफ जब ही से आप सही सही रास्ते पर चलेंगे, सही सोचने लगेंगे, उसी दिन से ईश्वर आपकी मदद करने लगेगा जी।
ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से सर ने कुछ क्वेश्चन लिए और उनके आंसर दिए। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री के लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, बेल आइकन दबा दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुँच जाए। फॉलो कर लीजिए हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लिंक हम सारे अपने डिटेल में डाल देते हैं और सारे क्वेश्चन भी हम डिटेल में डाल देते हैं, सर का नंबर भी हम डिटेल में डाल देते हैं। पेज का लिंक होता है, पेज पे जाके आपको नंबर मिलेगा और कब से कब तक सर को कॉल करनी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।